गुड मॉर्निंग एवरीवन, साईराम। हमारे आधुनिक जीवन का स्थायी भाव मींस हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। जीवन समृद्ध हुआ लेकिन हमें सहारा लेना पड़ा, हमें डिपेंड रहना पड़ा वो यंत्रों के ऊपर। सुबह उठने के बाद स्कूल जाना है, ब्रेड टोस्ट करना है, मम्मी ने टोस्टर निकाला, मशीन में कपड़े धोने हैं और बर्तनों को साफ करना है तो डिश वॉशर में डालें। मीन्स आजकल हम लोग पूरी अपनी लाइफस्टाइल जो है वो यंत्रों के ऊपर जी लेते हैं। तो इन समस्याओं का हमें अगर सामना करना है तो हमें योग साधना अपनानी पड़ेगी, अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में हमें योगाभ्यास करना पड़ेगा। तो चलो आइए बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रोज का रूटीन। कीप योर बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, गेट रेडी फॉर मेडिटेशन प्रैक्टिस। इनर अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, कॉन्सेंट्रेट। We will chant three times Omkar, breathe in, breathe out, take a deep breath. शरीर के साथ साथ श्वास प्रश्वास और मन कूल डाउन रिलैक्सिंग अवस्था में आ रहा है, ये फील करेंगे, नोटिस करेंगे। जॉइन योर हैंड्स। टुडे वी विल चैंट महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकम् इव बंधना, मृत्योर्मुक्षिर्यमामृता। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकम् इव बंधना, मृत्योर्मुक्षिर्यमामृता। पामी हस्तमर्दन, नेत्रमर्दन, गिव मसाज टू योर आईज। ओंकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज जो है आज हम लोग करने जाएंगे अपने हाथों के, यानी हैंड एक्सरसाइजेस पार्ट वन और पार्ट टू में। कैसे करेंगे? पोजीशन लेंगे,
स्टार्ट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन, ये हो गई पार्ट नंबर वन। अब करेंगे पार्ट नंबर टू, रिस्ट मूवमेंट। रिस्ट की जो मुट्ठी बनाएंगे हम लोग, रिस्ट मूवमेंट करते वक्त जो मुट्ठी बनानी है वो इस तरीके से हमें बनानी है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन, एंटी क्लॉक, टेन नाइन एट सेवेन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, रिलैक्स। ओंकार चैंटिंग, महामृत्युंजय मंत्र और हैंड के वार्म अप एक्सरसाइज के बाद आज जो हम लोग नया आसन सीखेंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। आजकल देश और प्रदेश में योगा कॉन्फ्रेंसेस बहुत जगह अरेंज किए जाते हैं। उनमें ज्यादा लोगों का फेवरेट पसंदीदा जो पैटर्न है वो है आसनों का, क्योंकि आसन जो है वह करने के लिए और दिखने के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं, इसलिए योगासने लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली आसन करते वक्त उसके बेनिफिट्स जो है वो हम लोग तुरंत फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एखादा आसन करते वक्त अगर फॉरवर्ड बेंडिंग है तो वहां पर प्रेशर आता है, ताड़ासन करते वक्त स्ट्रेचिंग आता है, तो ये सब जो बातें हैं वो आसन का प्रैक्टिकल करते करते ही हम लोग फील करते हैं, और इसके लिए आसनों की तरफ लोग ज्यादा जल्दी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो आज हम जो नया आसन सीखेंगे उस आसन का नाम है द्रोणासन। तो आइए ये देखते हैं कि द्रोणासन, ये आसन को नाम क्यों और कैसे दिया गया। अपनी रेक्टम मसल्स को मजबूती देने वाला जो द्रोणासन है वो अपनी स्टमक के प्रॉब्लम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। द्रोणासन, ये आसन को नाम क्यों दिया गया। द्रोण, आपको पता ही है कि मेडिटेशन करते वक्त हम लोग द्रोण मुद्रा करते हैं, बराबर है। द्रोण मुद्रा जो है वो हम लोग बच्चों कैसे करती है, हाथों की ये जो मूवमेंट है इसे हम लोग कहते हैं द्रोण मुद्रा। अब द्रोणासन करते वक्त अंतिम अवस्था में जब हम लोग जाते हैं तभी शरीर की अवस्था द्रोण मुद्रा की जैसी होती है, और इसलिए इसे द्रोणासन ये कहा गया है। अपनी स्टमक के प्रॉब्लम से अपनी डाइजेशन सिस्टम जो है, पाचन शक्ति जो है, अपनी रेक्टम मसल्स जो है, उनके लिए द्रोणासन बहुत बहुत फायदेमंद है। अंतिम अवस्था में जब हम लोग जाते हैं तभी बहुत सी बार ऐसे होता है कि आसन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है। इसके लिए एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि बहुत से लोग ब्रीदिंग जो है वो अपने आप रोकते हैं, और इसके लिए अंतिम अवस्था ज्यादा वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये जो गलती है वो हमें नहीं करनी है। तो बच्चों, अभी हम द्रोणासन कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली उसे कैसे करना चाहिए वो देखने जा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकली द्रोणासन हमें कैसे करना है। द्रोणासन के लिए शवासन में जो हमने विश्रांति अवस्था ली थी, दोनों लेग्स एक साथ, दोनों हाथ शरीर की तरफ और गर्दन बीच में स्थिर है। फाइनल पोज जाते वक्त अपने हाथ पैर और चेहरा जो है, फेस जो है वो बैलेंस करना है।
पेट के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, इसके लिए अंतिम अवस्था जब हम लोग करेंगे तभी ब्रीदिंग अपना नॉर्मल हमें चालू रखना है। आसन छोड़ते वक्त भी जिस तरीके से आराम से गए वैसे ही शयन स्थिति शवासन में हमें विश्रांति लेनी है। द्रोणासन कैसे करना चाहिए ये अब हमने देखा और आगे उसके लाभ देखेंगे, यानी बेनिफिट्स। यह आसन व्यायाम पेट की जो मांसपेशियां होती है, पाचन से रिलेटेड अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत उपयोगी है। यह पेट में वजन कम करने के साथ साथ वजन घटाने में भी मदद करता है। पेट दर्द यानी बैकएक के पेशेंट, कमर दर्द के पेशेंट, उनके लिए भी यह आसन बहुत बेनिफिशियल है। लाभ देखे अब देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सावधानियां। स्लिप डिस्क के अगर पेशेंट है, याद रखिए ध्यान से आपको सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ, जिन पेशेंट्स को स्लिप डिस्क है उन्हें यह आसन टोटली वर्जित है। जिन्हें गंभीर पेट दर्द की समस्या है उन्हें भी ये आसन नहीं करना चाहिए। तो आज हमने द्रोणासन सीखा, इसे हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं और वो नाम है सुलभ वज्रोणी मुद्रा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बताती है कि शारीरिक मानसिक सामाजिक सुस्थिति मीन्स आरोग्य, और इसीलिए हमें कहना पड़ेगा कि स्वतःला बदला जग बदलेल। मराठी में हम लोग क्या कहते हैं, स्वतःला बदला जग बदलेल, प्रत्येक दिवशी योग आनंददायी ठरेल, प्रत्येक दिवशी योग आनंददायी ठरेल। धन्यवाद।